नमस्कार, आरजे स्पून ऑफ स्पाइसेस में आपका स्वागत है। यह बाफला बाटी इंदौर व उसके आसपास इलाके की फेमस डिश है। राजस्थान में बाफला बाटी को दो प्रकार से बनाते हैं, बॉईल करके घी में फ्राई करते हैं तथा बॉईल करके बाटी कुकर में सेकते हैं। तो आइए बाफला बाटी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बाफला बाटी बनाने जा रहे हैं। बाफला बाटी बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है आइए जानते हैं। हमने इसके लिए आटा लिया है, बाटी में जो सामग्री डलेगी नमक, अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मोयन के लिए घी, इन सभी सामग्रियों को हम आटे में मिला देंगे, मोयन भी मिला देंगे। और इन सभी को एक साथ करके गूंथ लेंगे। बाटी का आटा हमें थोड़ा टाइट लगाना है। अब इसमें हम पानी डालकर गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, आटा हमारा गूंथ चुका है। ये न तो ज़्यादा टाइट है न ज़्यादा नरम है, एकदम बाटी जैसा आटा लगा है। अब हम इसकी लोइयां बनाकर बाटी के आकार की इतने आटे से हमने 7 बाटी बनाई हैं। बाफला बाटी के लिए हमने कुकर में पहले ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जब ये पानी में एक बॉईल आ जाए तो इन सभी बाटियों को इस पानी में डाल देना है। कुकर में उबाल आ गया है, अब हम एक एक करके बाटियों को डाल देंगे। और 20 मिनट तक इसे पकाएंगे। कुकर की सीटी को हम निकाल देते हैं और ढककर पकाएंगे मीडियम आंच पर। राजस्थान में बाफला बाटी दो प्रकार से बनाई जाती है, एक तो फ्राई करते हैं घी में, दूसरी हम बॉईल करने के बाद में बाटी ओवन में सेकेंगे। इसको हमें इन बाटियों को बीच बीच में हिला लेना है। बीस मिनट हो चुके हैं, बाटियां हमारी देखिए ऊपर आ चुकी है। बाटियां ऊपर तैल रही है और ये देखिए फूल कर इतनी हो गई है। अब हम इसे पानी से निकाल देंगे। हम इसे पानी से निकाल देते हैं। बाटियों को हमने हल्का ठंडा होने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम ऑन करके हम बाटी ओवन रख देंगे और इसे 5 मिनट के लिए प्री हीटेड करेंगे तेज आंच पे। बाटी ओवन प्री हीटेड हो चुका है 5 मिनट के बाद में। अब हम एक एक करके सभी बाटियों को रख देंगे। और बिना ढके पहले इन सबको सारी तरफ से सेक लेंगे। बाटी को बीच बीच में पलटते जाएंगे। पांच मिनट बाद में बाटी की स्किन सभी जगह से निकल गई है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर मीडियम आंच पर पका देंगे। फ्रेंड्स, बाटियां हमारी सिक चुकी है और एकदम क्रिस्पी बन चुकी है। अब हम इसे उतारकर घी लगाएंगे। बाटी हमारी सिक चुकी है, अब हम इसे घी लगाने के लिए निकाल लेंगे।
फ्रेंड्स ये गरम है इसलिए आराम से निकालिएगा। अब इन बाटियों को एक एक करके खोल कर घी में डालकर निकाल लेंगे घी से। हमारी बाफला बाटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में डालेंगे। बनकर तैयार है हमारी बाफला बाटी, बहुत ही यम्मी और लजीज। आइए हम इसे दाल के साथ परोसते हैं। तैयार है हमारी बाफला बाटी, आइए हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।